नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी सांप और कौवा की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। सांप भी दुष्ट प्रवृत्ति का होता है और कौवा भी दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। आज इन दोनों की कहानी सुनने के बाद आपके जीवन में कभी भी अपने शत्रु से मात नहीं खा सकते। जो लोग अपने शत्रु को देखकर भयभीत हो जाते हैं और उनसे डरने लग जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज की ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक साबित होगी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। कभी भी आप उससे मात नहीं खा सकते, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी आपको यही बताने जा रही है कि जब कमजोर का सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हो जाए तो उसका सामना कैसे किया जाए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में कौवे का सामना सांप से होता है और कौवा कैसे उसका सामना कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये शिक्षाप्रद कहानी पूरी सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक नगर के पास में एक बरगद का पेड़ था। उस पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी वहां पर अपना जीवन सुख में ही व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वो बाहर जाते और शाम ढलते ही अपने घोंसले में लौटकर आराम करते। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से कौवा और कौवे की पत्नी का सुखमयी जीवन व्यतीत हो रहा था। अब एक दिन एक काला सांप भटकते भटकते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया और पेड़ के तने में एक बड़ा खोल था। उस खोल को देखकर वो सांप उसी में निवास करने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, उधर कौवा और कौवे की पत्नी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उनको ये मालूम भी नहीं था कि जिस पेड़ में वो रह रहे हैं उस पेड़ में कोई सांप भी आके रहने लगा है। प्रिय दर्शकों, अब कौवा और कौवे की पत्नी की दिनचर्या यूं ही चलती रही, पहले जैसी चलती रही। अब कुछ समय निकलने के बाद मौसम आने पर कौवे ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को अंडे से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब ये दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाला सांप ने ऊपर जाकर कौवे के अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। प्रिय दर्शकों, जब कौवा कौवी अपने घोंसले में वापस लौटे और जब उन्होंने अपने अंडों को देखा तो उनके अंडे वहां नहीं थे। जब कौवा और कौवे की पत्नी को उनके अंडे नहीं मिलते हैं तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं। रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अंडे नहीं मिलते हैं। इसके बाद जब भी वे कौवा और कौवे की पत्नी अंडे देते तो सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा और कौवे की पत्नी अब रोते ही रह जाते। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से तीन बारी हो जाती है लेकिन फिर भी कौवा कौवी के अंडे नहीं मिलते हैं। अब मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए लेकिन इस बार कौवा और कौवे की पत्नी सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिरकार उनके अंडे कहां गायब हो जाते हैं, कौन ले जाता है या फिर कोई खा जाता है। इसी बात को सोचकर दोनों पति पत्नी अब सतर्क थे। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी अब योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। प्रिय दर्शकों, अब कौवा कौवी को अपने घोंसले में नहीं देखकर सांप सोचने लगा कि कौवा और कौवे की पत्नी यहां से जा चुके हैं,
तो मौका पाकर काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर उनके अंडे को खा जाता है। प्रिय दर्शकों, आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा और कौवे की पत्नी तड़प तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि सांप की तुलना में कौवा और कौवे की पत्नी बहुत कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अन्य जगह जाने का निर्णय लिया। अब कौवा कौवी दोनों पति पत्नी अपने मन में सोचने लगते हैं कि हम कहीं दूसरी जगह जाके रहेंगे कि अब हमको ये निवास छोड़कर जाना होगा। यदि यहाँ रहेंगे तो हमारा वंश नहीं चलेगा। ये जो काला सांप है ये हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इस जगह को छोड़कर अन्य जगह जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी इस तरह का निर्णय लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वहां से जाने से पूर्व उनके मित्र गीदर से अंतिम बार भेंट करने के लिए वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर अपने मित्र गीदर को पूरा वृत्तांत सुनाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब कौवा कौवी अपने मित्र गीदर से विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला कि मित्र, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। गीदड़ कहता है कि मित्र, समस्या किसके जीवन में नहीं आती, सबके जीवन में कहीं न कहीं समस्या जरूर आती है, चाहे वो इंसान हो या फिर पशु पक्षी। हर जीव जंतु के जीवन में समस्याएं जरूर होती हैं। आज तुम्हारे ऊपर समस्या है, हो सकता है कल मेरे ऊपर आ जाए, हो सकता है परसों उस सांप के ऊपर भी समस्या आ सकती है। इसीलिए समस्या से डरकर भागना इसका कोई समाधान नहीं है। प्रिय दर्शकों, गिदड़ और कहता है कि जब समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य होता है, और जो लोग समस्या का सामना करते हैं वही मर्द होता है। प्रिय दर्शकों, अपने मित्र गिदड़ की इतनी बात सुनकर कौवा बोला कि मित्र, हम कर भी क्या सकते, हम बहुत कमजोर हैं, उसका मुकाबला हम कभी नहीं कर सकते। दूसरा, वो दुष्ट सांप जहरीला है, यदि उसने डंक भी लगा दिया तो भी हमारे प्राण फकेरु उड़ जाएंगे। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। प्रिय दर्शकों, फिर कौवे की पत्नी कहती है कि हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए इस जगह को छोड़कर हमें दूसरी जगह जाना ही होगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद कौवे का मित्र गिदड़ कुछ सोचते हुए बोला कि मित्रों, जहां शक्ति काम न आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और बुद्धि से बड़े शत्रु का विनाश किया जाए। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर गिदड़ ने उस सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा और उसकी पत्नी को बताई, और ये योजना कौवा और उसकी पत्नी को मन में भा जाती है। दोनों पति पत्नी अक्सर यही सोच रहे थे कि इस दुष्ट सांप से बदला कैसे लिया जाए। अब गिदड़ की योजना दोनों पति पत्नी को अच्छी लगी और उन्होंने हां कर दी। अब अगले दिन योजना अनुसार कौवा और उसकी पत्नी नगर के पास एक सरोवर में पहुंचे, जहां पर राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ रोज स्नान करने के लिए आया करती थी। प्रिय दर्शकों, उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण सरोवर के किनारे रखकर और सरोवर में स्नान कर रही थी। प्रिय दर्शकों, पास ही कुछ सैनिक खड़े थे जो कि निगरानी कर रहे थे। दर्शकों, अब गीदड़ की योजना अनुसार अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबा लिया और वहां से काम काम करता हुआ राजकुमारी और उनके सैनिकों को दिखाते हुए उस हार को लेकर के उड़ जाता है। प्रिय दर्शकों, कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। जब राजकुमारी चिल्लाती है तो सैनिक कौवे के पीछे भागने लगते हैं और कौवा उड़ता हुआ उसी बरगद के पेड़ की तरफ आता है जिसमें वो सांप रहता था और कौवे के अंडों को खा जाता था।
प्रिय दर्शकों, अब सैनिक भी कौवे का पीछा करते हुए उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं, उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कौवा भी यही चाहता था कि ये सैनिक किसी भी तरीके से इस बरगद के पेड़ तक आ जाए। प्रिय दर्शकों, जब सैनिक भी उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो उस राजकुमारी का हार कौवा उस पेड़ के खोल में गिराकर और वहां से उड़ जाता है। प्रिय दर्शकों, जब सैनिकों ने यह देखा कि कौवे ने राजकुमारी का हार बरगद के पेड़ के खोल में गिरा दिया है, तो अब सैनिक उस हार को निकालने के लिए पेड़ की खोल के पास पहुंचे और उसमें एक लंबा डंडा घुसेड़ दिया। प्रिय दर्शकों, उस समय वो सांप बरगद की खोल में ही आराम कर रहा था। प्रिय दर्शकों, जब सैनिक उसमें डंडा डालते हैं और उस डंडे का स्पर्श सांप को होता है तो सांप फन फैलाए बाहर निकलता है। सांप को देखकर अब सभी सैनिक हरकत में आ जाते हैं और उस सांप को तलवार से और भाले से मार डालते हैं। प्रिय दर्शकों, सांप की मृत्यु हो जाती है। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवे बहुत खुश होते हैं और अपने घोंसले में फिर से रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वो अब बिल्कुल सुरक्षित थे, और जब अंडे पक जाते हैं तो उन अंडों से कौवे के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकलते हैं और कौवा कौवे अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करती है, अपने बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत करती है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी हमको ये सीख देती है कि जहां पर शारीरिक शक्ति काम ना आए वहां पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और बड़े से बड़े शत्रु को घुटनों पर लाया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। प्रिय दर्शकों, बुद्धि ही वो हथियार है जिसके दो तरफा धार होती है। इसके बरोबर इस संसार में दूसरा कोई हथियार नहीं है। बुद्धि से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। बुद्धि से आप राजा को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बुद्धि को ही दोधारी तलवार कहा जाता है। बुद्धि के समान दूसरा कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे बिगर लड़ाई किए बिगर झगड़े किए आप युद्ध जीत सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।